दोस्तों आज के सभी वीडियो में आपका स्वागत है। आपके पूछे गए लगभग सभी सवालों के जवाब के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो हमारे आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, मैंने देखा है यहाँ पर एनएस में कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके कई सारे क्या होते हैं, तरह तरह के सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब को बताने वाला कोई होता नहीं है। अगर कोई होता भी है तो वो हमारी हेल्प नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि हमारी अज्ञानता की वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। हमें पता होता नहीं है कुछ कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, और इस चीज़ का जो दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और हमसे पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। आपके जो सवाल होते हैं उन सबके जवाबों के साथ यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ देखा जाए कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके कई सारे तरह तरह के सवाल हैं। अगर उनको जवाब मिलेगा तो कहने के आपको भी जवाब मिलेगा। अगर उनके डाउट क्लियर हो गए तो कहने के आपको भी कहने की जानकारी आपकी बढ़ेगी ही, जो इन फ्यूचर आपके काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है ऋतिक महतो। ऋतिक महतो इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th क्लास एनुअल से की है, 12th भी एनुअल से करूँगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने क्लास 10th कर ली है, आप क्लास 12th भी कर सकते हैं। आगे आप जो है जो भी कॉलेज करना चाहे आप कर सकते हैं। कुछ एक आध जो कॉलेज होते हैं वो दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन एकदम ना के बराबर है। लेकिन आपको जो है कि ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में आपको यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, डॉक्टर अंकित मुकेश इनका सवाल बनता है, 10th सिलेबस क्या है? मैं मैथ एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस एंड हिंदी एंड इंग्लिश लिया है, इन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है सर, प्लीज़ बताएं। तो यहाँ देखा जाए प्रॉपर सिलेबस क्या होता है इसके बारे में ठीक से कहीं से आपको जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक से मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा कि आप जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाइए, जी हाँ आपकी जो भी सब्जेक्ट है उनके जो क्वेश्चन पेपर है आप वो उठाइए, आप उनको रीड करिए कि किस किस तरह के सवाल आ रहे हैं और कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं और टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट बनता है, ग्रामर कितनी की है या चैप्टर से क्वेश्चन से कितने के हैं, या अपना या आप कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी आपका भी हेल्प करेंगे। तो एनएस की वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, पवन राज। तो पवन राज इनका सवाल बनता है, सर मैंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया 2020, क्लास 12th के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। आई एम कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या मैं नेक्स्ट ईयर 2022 में जैन या फिर कोई भी मंथ में मेरा किया कंप्लीट होगा या नहीं, कि मुझे अक्टूबर में ये कंप्लीट करना होगा पड़ेगा सर। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है अपना 2020 का यहाँ पर आपने जो क्लास 10th आपने पास करी है, आपने जैन फेब में आपने एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 10th और 12th के बीच में जो है 2 साल की गैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सिंपली अपना चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर आपका जो 10th है वो आपका कौन सा महीना बनता है, और वो महीना जो है कौन से सेशन में आता है, अक्टूबर वाले सेशन में आता है या मार्च वाले में आता है। तो जो भी आपका बनता है तो उससे आप जो है 2 साल आगे बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर आपका फिर आपका जो 12th का आपका निकल जाएगा कि आपका फाइनल 12th का कब होगा। क्योंकि अगर आप 2 साल से पहले अगर किसी भी तरह से अगर 12th करते भी हैं तो फिर वो वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आपका 10th और 12th के बीच में 2 साल के गैप रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, मुजफ्फर शेख। तो इनका सवाल बनता है, सर मैंने जैन फेब एग्ज़ाम दिया था, मेरे 6 सब्जेक्ट थे और मैं 5 सब्जेक्ट पास हुआ, पर मेरी ओरिजिनल मार्कशीट स्टडी सेंटर पर नहीं आई, मैं क्या करूं? और मैं 1 सब्जेक्ट के लिए जून एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। तो यहाँ देखा जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपने अपना जो है जैन फेब में अपने एग्ज़ाम दिया था और आपने जो इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो अगर यहाँ पर आप पहली बार मार्कशीट लेते भी है तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो वाली मार्कशीट आपको काम आएगी, और वो वाली मार्कशीट आपको यहाँ पर डिजी लॉकर से भी आपको डाउनलोड हो जाएगी, बाकी आपके स्टडी सेंटर है आपको वहाँ से मिल जाती है रिजल्ट के लगभग 1 महीने बाद। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, मोहम्मद फेज इनका सवाल बनता है, राज सर क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा? तो यहाँ देखा जाए बहुत सारे विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, क्लास 12th के, जो जानना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा,
कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि हमारे पर देखा है जून में होने वाले एग्जाम थे कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हमारा पर जो है कि अब पास करेंगे तो किस हिसाब से हमारा पर रिजल्ट आएगा, कब आएगा। तो सबसे पहला तो हमारा ये सवाल बनता है कि कब आएगा, तो रिजल्ट के आने के जो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपके यहाँ पर जो जुलाई के लास्ट तक आना ही आना है, हो सकता है सीबीएसई वालों को आ जाए उसके एक आध दिन बाद आपका भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर मामले में सीबीएसई थोड़ा सा आगे रहता है, सीबीएसई वालों के एग्जाम भी पहले होते हैं, फिर यहाँ पे हमारा पर सीबीएसई को लेकर जो जो डिसीजन लिए गए वही डिसीजन एनएस को भी लेकर लिए गए, हमारे यहाँ पर जो है सीबीएसई वालों के एग्जाम पोस्टपोन किए, एनएस वालों के भी किए, फिर सीबीएसई वालों के एग्जाम कैंसिल कर दिए, एनएस वालों के भी कर दिए। तो ऐसे में ये हो सकता है कि जब सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ जाए तो उसके एक दो दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए क्लास टेंथ का, क्लास ट्वेल्थ का भी। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है श्याम दीवाना, इनका सवाल बनता है, हेलो सर। हेलो सर, मैंने 2019 में टेंथ की है और मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा, और मिल तो जाएगा ना सर, 2 ईयर्स हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। तो दोस्त बात ऐसी है कि जैसे कि आपने बताया कि आपने 2019 में आपने टेंथ कंप्लीट कर ली थी, अब आप जानना चाहते हैं कि आपको पास सर्टिफिकेट आपको कब कैसे कहाँ से मिलेगा। तो आपको पास सर्टिफिकेट आपको जो है आपको मिलेगा आपके स्टडी सेंटर से। अगर आपने पब्लिक एग्ज़ाम दिए थे अक्टूबर में या मार्च में, तो ऐसे में क्या है कि आपका जो पास होने का सर्टिफिकेट है आपको मिलेगा आपके स्टडी सेंटर से। तो अपने स्टडी सेंटर जाइए, अपना आईडी कार्ड लेके, अपना रिजल्ट लेके, और वहाँ जाके अपना पता करिए। लगभग मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट आपका आ चुका है, आप बस वहाँ से जाइए कलेक्ट कर लीजिए। आपका जो है स्टडी सेंटर, आपका एनएस आईडी कार्ड है उस पर आपको एड्रेस मेंशन होगा। इसके बाद हमारे पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है खुशबू, इनका सवाल बनता है, सर जी 10th क्लास एडमिशन के लिए टीसी जरूरी है, हमारे पास टीसी गुम हो गई है, क्या हम बिना टीसी से एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपके पास टीसी नहीं भी है तो भी आप क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होता है, टीसी की जगह आपको अपना लेना पड़ता है सेल्फ सर्टिफिकेट, आपको खुद से बनाना होता है। एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए बीचों बीच में सेल्फ सर्टिफिकेट, उसके बाद में लिखिए अपने बारे में कि मैं, मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का नाम ये है, हम इस एड्रेस पर रहते हैं, और मैं जो है अपना क्लास 10th में अपना एडमिशन लेना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को पूरी तरह से अपना एलिजिबल समझती हूँ कि क्लास 10th में अपना एडमिशन ले सकती हूँ। बाकी वहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, इसकी फ़ोटो खींच के आप जो है अपना अपलोड कर दीजिए, जहाँ पर आपसे मांगा जाता है टीसी, तो टीसी जगह अपना सेल्फ सर्टिफिकेट आप अपना लगा के क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको जो एज प्रूफ भी आपको लगाना होता है, एज प्रूफ लगाने के लिए आप अपना आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके आधार कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है दिन महीना साल, तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड भी अपना ले सकते हैं। बाकी आपको अपनी फोटो लेनी होती है, सिग्नेचर लेने होते हैं, बाकी आपका सेल्फ सर्टिफिकेट जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया, तो इतने से ही आपका यहाँ पर जो एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मोनू माथुर, मोनू माथुर इनका सवाल बनता है, हेलो सर, मैं 10th क्लास एनओ से कर रहा हूँ, सर मैं सीबीएसई से आया हूँ टीओसी के बेस पे, सर तो मेरा एग्ज़ाम जैन फेब में हुआ था, तो सर मेरी 2 सब्जेक्ट में SYC आ गई, फिर मैंने 1 सब्जेक्ट और ऐड करता हूँ, फीस पे कर दी, तो सर अब मुझे प्रमोट करेंगे तो किस बेस पे प्रमोट करेंगे, प्लीज़ रिप्लाई सर। एंड सर मेरे मार्क्स 3 सब्जेक्ट में हिंदी में 46, होम साइंस में 64 और सोशल साइंस में 39, सर क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो यहाँ देखा जाए आपकी पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका पिछला रिपोर्ट बनता है, तो ऐसे में आपके पूरे पूरे पास होने की उम्मीद है। इसके बाद हमारे पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है पेनोल वाइटी, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिए थे, 2020 में भी क्लियर नहीं हुए, 3 सब्जेक्ट के पेपर दिए थे मैथमेटिक्स सोशल साइंस साइंस, मेरी एनएस वालों ने 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एब्सेंट लगाई थी, 3 सब्जेक्ट में पास दिखा रहा हूँ पर मेरी प्रैक्टिकल एब्सेंट है और रिजल्ट में 4x दिखा रहा है, और मैंने 2021 में जून एग्ज़ाम के लिए फीस सबमिट कर दी है, TMA सबमिट है, मेरा क्या सर मैं पास हो सकता हूँ? तो बिल्कुल आपकी उम्मीद है कि आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देखा जाए लगभग आप 3 सब्जेक्ट पास है, अपने एग्जाम फीस भी पे करी है, अपने असाइनमेंट सबमिट की है, तो पूरे पूरे आपके चांस बनते हैं कि आप पास हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मित पटेल, इनका सवाल बनता है, सर NS अक्टूबर 2021 एग्ज़ाम हो गए तो टर्म 1 MCQ
के मुताबिक होगी ना। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ पे अक्टूबर में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, वही है जो पहले हमारा पर है, जो पहले से हमारा चला आता आ रहा है वही है। जो यहाँ पे हमारा पर जैन फैब 2021 में हमारे पर एग्ज़ाम हुए, तो जो फॉर्मेट वो था वही फॉर्मेट हमारे पर अक्टूबर एग्ज़ाम में भी किया जाएगा। तो कोई चेंजेस नहीं है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही उस हिसाब से आपको तैयारी लेके चलनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है रोमियो, इनका सवाल बनता है सर सीबीएसई पत्र 4 10th में फेल हुआ स्टूडेंट एनएस में एडमिशन ले सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ देखा जाए क्या है कि सीबीएसई से हमारा पत्राचार, या वैसे भी देखा जाए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या दूसरे बोर्ड से स्टूडेंट हैं जो क्या है कि वहाँ से पास नहीं हुए हैं और एनएस में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आप अपने जो है दो सब्जेक्ट ऐड करा सकते हैं जिसमें पास है। जी हाँ, क्लास 10 क्लास 12 जो आप दूसरे बोर्ड से कर रहे थे, एनएस को छोड़ के दूसरे बोर्ड से कर रहे थे, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में आप क्या है कि कुछ सब्जेक्ट पास है कुछ में रह गए, जिसमें से कुल मिला के आप रह गए। तो ऐसे में जिस जिस सब्जेक्ट में पास थे उनमें से दो सब्जेक्ट आप ऐड करा सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट आप लेके एग्जाम दे के अपना क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अपना TOC लेनी होती है इसके लिए, ये हमारा कहलाता है TOC ट्रांसफर क्रेडिट। और ऐसे में आपकी जो फेल मार्कशीट बनती है, ओरिजिनल फेल मार्कशीट बनती है आपको, वो भी आपके INS के रीजनल सेंटर पर आपको सबमिट करानी होती है विद एप्लीकेशन फॉर्म। जो अपना एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, उसका प्रिंट आउट, प्लस आपकी जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट होती है उसके ऊपर भी आपको फ़ोन नंबर, रेफरेंस नंबर, एनरोल नंबर लेकर आप अपना जो है रीजनल सेंटर जाके जमा करा सकते हैं। एडमिशन टाइम पर आपको जो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, आपकी जो फेल मार्कशीट है उसकी आपको फ़ोटो आपको लगानी है, आपका आधार कार्ड है आपको लगाना है, आपका यहाँ पर जो है सिग्नेचर है आपको लगाना है, आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपको लगानी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने होते हैं, और इनका साइज़ आपको 1 MB से आपको कम रखना पड़ता है, फॉर्मेट होता है JPG। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है लक्ष्मण मजी, इनका सवाल बनता है सर आई वॉन्ट टू एडमिशन ऑफ क्लास 12th। तो बिल्कुल आप क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन को लेके किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आनंद मली, हेलो सर आई हैव टेकन एडमिशन फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 बट ड्यू टू लॉकडाउन आई कुडंट सबमिट TMA एज वेल एज एग्जाम्स आल्सो कैंसल्ड, एम आई एलिजिबल टू गिव एग्जाम्स ऑन अक्टूबर 2021 एंड वेदर नीड टू रजिस्टर अगेन फॉर दैट। तो यहाँ देखा जाए आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अभी हमारा पर अक्टूबर एग्जाम के लिए एग्जाम फीस जाना शुरू हो जाएगा, तो सिंपली अपने एग्जाम फीस पे करिए और अक्टूबर के एग्जाम की तैयारी करिए, अक्टूबर एग्जाम दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अजय कुमार, अजय कुमार इनका सवाल बनता है सर इन फिजिकल सब्जेक्ट वी ऑल्सो हैव टू रन इन एनएस बोर्ड ऑन ट्रैक सूट। तो यहाँ देखा जाए जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसकी डेट वगैरह आपको मेंशन कर दी जाएगी, तो जो आपका प्रैक्टिकल सेंटर होगा तो वहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल डेट टाइम वगैरह मेंशन कर दी जाती है कि किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल होना है किस डेट को होना है कितने बजे होना है, तो उस हिसाब से अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की तैयारी करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करी है, तो उम्मीद है काफ़ी सारे विद्यार्थियों को हेल्प भी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे भी आपको जो है ऐसे ही आपको हेल्प होती रहेगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।